ओम शांति। आज है 4 अक्टूबर 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज के महावाक्यों में बाबा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर में बाबा बोले, बाप की श्रीमत है बच्चे, नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सत्युग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परमपिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। बाप परमपिता परमात्मा अथवा रचता को नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है। इस शरीर को जन्म देने वाला कौन है? लौकिक फादर है। और वह परमपिता परमात्मा है पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। आज बाबा लौकिक फादर क्या करते हैं और पारलौकिक फादर क्या करते हैं और कौन है ये बता रहे हैं। दोबारा से सुनिए, इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परमपिता परमात्मा है पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं। यह सत्युग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। हम किसको जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, वो भी दुख के कारण? परमपिता परमात्मा को। गॉडफादर तो जरूर निराकार हुआ ना। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉडफादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं, आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। निश्चय करते हैं, हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है, शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है, तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता। बाबा कहते, तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है, आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को
आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? तुम अपने को आत्मा क्यों नहीं निश्चय करते? बाबा ये पूछ रहे हैं। कहते हैं, आत्मा का क्या हो? साक्षात्कार हो। अरे, इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। कहते हैं, हे भगवान, तो बाप हुआ ना। तुमको दो बाप हैं, माना पिताएं हैं। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। बाबा बोल रहे हैं कि वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे, लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। क्या कह रहे हैं बाबा कि अधर कुमार कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। तो आज की मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं कि दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को, वह है ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं, यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यह यादगार है। यह मंदिर माना दिलवाड़ा मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यह यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली दुर्गा अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं। जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सत्युग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा इन कर्मिंद्रियों से सुनती है। आत्मा को यह आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते हैं, मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ, मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र शिव सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है, शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं, उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिककर भीतर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापिस ले जाने में क्या करना है, ले जाने मैं आया हूँ। बाबा कह रहे हैं, सबको वापस ले जाने मैं आया हूँ। यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सत्युग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। यह लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो ज़रूर होना है। यह है प्रजापिता, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोत्रे पोत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विशेष पतित दुनिया। सत्युग है वॉइसलेस दुनिया, वहाँ विश्व विकार होता नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। बाबा सत्युगी दुनिया के
जो कायदे हैं, वहाँ की जो रहन सहन है, वहाँ के बारे में बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं कि कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, है ही सुखधाम, यहाँ तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता भगवानुवाच। अच्छा, भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण, अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पति दुनिया थोड़ी ही है, सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। बाबा समझा रहे हैं बच्चों को कि सदगति कौन दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। और उसके लिए, सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है, इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी, जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। तो बाबा कह रहे हैं, यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है, इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना, यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने लिए आया हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय अभी क्या करना है? बाबा कह रहे हैं, सभी को बाबा को याद करना है। और बाबा साथ साथ कहते हैं, तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली, सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। यह फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम वायदा कर आते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं, जेल बर्ड होते हैं ना। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं, अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। अभी तुमको किससे छुड़ाते हैं? गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सत्युग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ, अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले, अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा क्या कह रहे हैं? यह बना बनाया ड्रामा है। तभी बाबा श्री कृष्ण के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले, अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो। बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, यह बातें समझने की हैं। ड्रामा में हरेक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोएं पीटें? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं, ये तो बनी बनाई ड्रामा है, सबका अपना अपना पार्ट है। तो आज बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझा रहे हैं कि यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो। बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, यह बातें समझने की हैं। ड्रामा में हरेक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोए पीटें? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है, यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली वा गणेश सूंड वाला थोड़े ही होता है, मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। बाबा बच्चों को
अच्छी रीति समझा रहे हैं कि काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली नहीं होती या गणेश सूंड वाला थोड़े ही होता है, मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ, तुम निश्चय करो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। बाबा ने हम बच्चों को आज रोशनी दी है, कहा कि जगदम्बा को सभी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। उस समय की बात बाबा कह रहे हैं मातेश्वरी जी के लिए कि कलयुग के बाद फिर सत्युग होना है, विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं। मनुष्य क्या पूछते हैं कि विनाश के लिए जो आप कहते हो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ, महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे, तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, वंदे मातरम गाते हैं, पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की हैं, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा, तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान वाच मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मनोभाव का अर्थ कोई भी, मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाबा ने आज हम बच्चों प्रति क्या वाक्य उच्चारे, क्या शब्द बोले कि भगवान वाच मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। यह तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और क्या होंगे, और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, रचता बाप को तो सबका, रचता बाप तो सबका एक ही है। यानी हमारी बाप, हमारा जो बाबा है वह क्या है, रचता है, क्रिएटर है, हम क्रिएशन है, तो रचता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी हैं, तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो, यहाँ ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली, उनका यह मंदिर है, तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने तन मन धन से सेवा करके बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता, तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का क्या कराते हैं, विनाश कराते हैं। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गंवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते हैं कलयुग है वैश्यालय, सत्युग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। फर्स्ट पॉइंट में बाबा बोल रहे हैं जीते जी बाप को याद कर
वर्षे का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान है योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। क्या कह रहे हैं बाबा कि योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया, यह यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। अच्छा, सभी को ओम शांति।